हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको को और आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट डायरेक्ट करंट होता है, यूनिडायरेक्शनल करंट होता है और ये क्वाइट पेनफुल होता है क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल नेचर का होता है। हिस्ट्री ऑफ गैल्वेनिक करंट। लुई की गैल्वेनी इटालियन फिजियोलॉजिस्ट है जिन गैल्वेनिक करंट उन्हीं के नाम पर रखा गया। एंड इन्होंने ना सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को जो पास किया था वो फ्रॉग के लेग पर पास करके शो किया था। डेफिनेशन, इट इज़ अ डायरेक्ट करंट, यूनिडायरेक्शनल होता है। इट इज़ वेरी पेनफुल टू पेशेंट बिकॉज इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। टू ओवरकम दिस रेगुलर पोज कैन बी गिवन बिटवीन स्टिमुलेशन देते टाइम पर उसमें पोज दे दे के ट्रीटमेंट किया जाता है, इसीलिए इसको इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट कहते हैं। कॉन्स्टेंट डायरेक्ट करंट इज़ यूज्ड फॉर आइंटोफोरेसिस। मीन्स अगर कॉन्स्टेंटली करंट दिया जा रहा है विदाउट पोज तो उसको आइंटोफोरेसिस बोलते हैं। इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट इज़ यूज फॉर डीनर्वेटेड मसल्स स्टिमुलेशन। डीनर्वेटेड मसल्स ऐसी मसल्स जहाँ पे नर्व की सप्लाई कम हो गई है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। गैल्वेनिक करंट यूज़ होता है डायरेक्ट मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए विदाउट एक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व वो होती है जो कंट्रोल करती है वॉलंटरी मूवमेंट को। पल्स ड्यूरेशन 100 मीटर सेकेंड की होती है, फ्रिक्वेंसी 30 हर्ट्ज़। पल्स शेप होता है ट्रायंगुलर, ट्रेपेज़ॉइडल, सॉटूथ, स्क्वायर वेव होती है और पल्स लेंथ होती है 0.03 मीटर सेकेंड टू 300 मीटर सेकेंड के बीच में होती है समथिंग। यूजेस, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट आर यूज फॉर आइंटोफोरेसिस। अगर कांस्टेंट डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है वो उसको आइंटोफोरेसिस बोलते हैं। मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट आर यूज टू स्टिमुलेट डिनर्वेटेड मसल्स। जो मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट है जो पास हो रहा है वो यूज़ होता है डीनर्वेटेड मसल्स में जहाँ नर्व की सप्लाई बंद हो गई है। मेंटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स। मसल्स की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करके रखता है। मसल्स प्रॉपर्टीज़ लाइक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, इस सब में ये मेंटेन रखने में हेल्प करता है। रिटार्ड द डीनर्वेशन एट्रोपी। रिटार्ड मतलब कि जहाँ पर स्लो प्रोसेस हो गई है, स्लो मूवमेंट हो गया है या कहीं पर टिश्यू में ब्रेकडाउन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, वहाँ यूज़ करता है। हेल्प द मसल्स टू यूटिलाइज ऑल द सब्सटेंस एंड मेंटेन न्यूट्रिशंस। प्रॉपर हर मसल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिवेट पम्पिंग फंक्शन ऑफ मसल्स। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होने में इम्प्रूव करता है, पम्पिंग फंक्शन को मसल्स के एक्टिवेट करता है। प्रिवेंट वीनस एंड लिम्फेटिक स्टेसिस। वीनस एंड लिम्फेटिक स्टेसिस मीन्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेंस में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, स्लो ब्लड फ्लो होने लगा है, उसमें हेल्प करता है। एंड मेंटेन द वर्किंग हाइपर ट्रॉफी ऑफ डीनर्वेटेड मसल्स। हाइपर ट्रॉफी मीन्स जहाँ एनलार्जमेंट हो गया है, किसी एनलार्जमेंट मतलब किसी ऑर्गन्स वगैरह में, मसल्स में, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ऑर्गन के शेप वगैरह को। मेंटेन द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल्स। मसल्स की एक्साइटेबिलिटी को मेंटेन रखता है। इम्प्रूव लोकल सर्कुलेशन। लोकल सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है। प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स मीन्स वहाँ कभी कभार मसल्स में टाइटनेस आ जाती है टेंडन या लिगामेंट में, तो उसको प्रिवेंट करता है और उसको नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। डेंजर्स, इससे क्या क्या डेंजर्स है, क्या क्या खतरे हैं। फर्स्ट है इरिथमा, रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, वॉन जल सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक, इससे करंट लग सकता है। हाइपोपोलेमिक शॉक, ब्लड का लेवल है जो फ्लो हो रहा है वो लो हो सकता है। थैंक यू।